हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 17th ऑफ जून के करेंट अफेयर्स। वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आप लोगों के लिए मैंने वापस से इंट्रोड्यूस कर दी हैं हेडलाइंस, जिससे आप पूरे के पूरे करेंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम से करेंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम से कोई भी दिक्कत आ रही है पीडीएफ डाउनलोड करने में, तो आप एक काम कीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाना, प्ले स्टोर पर परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और वहाँ पर आपको फ्री कॉन्टेंट सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, कल मैंने एक हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज़ में एक टॉपिक कवर किया है और उस वीडियो को अपलोड किया है। हम बात कर रहे हैं ट्राइबल अपराइजिंग या फिर ट्राइबल रिवॉल्ट के ऊपर, जिसमें जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए हैं, जैसे कि हो, मुंडा, ठीक है, भील, ये सारे के सारे ट्राइबल मूवमेंट मैंने वहाँ पे कवर किए हैं विथ PYQs। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप जाकर हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं 17th ऑफ जून के करंट अफेयर्स। शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन से। फर्स्ट नंबर पे बात हो रही है फिलिप ग्रीन के बारे में। इन्हें नया हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं इंडिया में। तो ऑस्ट्रेलिया ने फिलिप ग्रीन को भारत में देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया अपॉइंट्स फिलिप ग्रीन एज अ कंट्री न्यू हाई कमिश्नर टू इंडिया। इन्होंने रिप्लेस किया है बैरी ओ फेरल को। इसके पहले ये एम्बेसडर टू जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर जर्मनी में भी काम कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका, केन्या और सिंगापुर में भी इन्होंने काम किया है। अब ये भारत में हाई कमिश्नर के रूप में काम करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पेनी वोंग, उनके द्वारा फिलिप ग्रीन को भारत का नया हाई कमिश्नर अपॉइंट किया है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का पहला कंसोल जनरल बेंगलुरु में ओपन हुआ था, वहाँ पर हिलेरी मैकग्रीटी, इनको वहाँ पर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है कमल किशोर चटवाल टेक्स ओवर अ IGL मैनेजिंग डायरेक्टर। तो IGL क्या है? IGL का मतलब है यहाँ पे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो कि एक लार्जेस्ट CNG डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ये जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है। किसका जॉइंट वेंचर है? तो आंसर हो जाएगा ये गेल एंड BPCL का जॉइंट वेंचर है, जिसमें 5% जो शेयर है वो दिल्ली गवर्नमेंट के भी हैं। सो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? कमल किशोर चटवाल को बनाया गया है। इन्होंने संजय कुमार को रिप्लेस किया है, क्योंकि संजय कुमार ने चार्जेस संभाले हैं डायरेक्टर मार्केटिंग इन गेल इंडिया लिमिटेड। ओके, अगली पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है जैन मैरियट। ये फर्स्ट व्यूमेन एनवॉय बन गई है पाकिस्तान में। यूके ने अपनी पहली व्यूमेन एनवॉय को भेजा है कहाँ? पाकिस्तान। ओके, जिनका नाम है जैन मैरियट। तो ब्रिटेन ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली दूत के रूप में नियुक्त किया है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान, और ये रिप्लेस कर रही हैं डॉक्टर क्रिस्टीन टर्नर को। इसके पहले ये इस्लामाबाद में जाने वाली ये पहली वीमेन है ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिशर्स हाई कमिश्नर में पहली वीमेन एनवॉय जिन्हें इस्लामाबाद या पाकिस्तान में डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके पहले ये केन्या में हाई कमिश्नर के रूप में काम कर रही थी और इनको इराक और अफगानिस्तान में भी डिप्लोमेट रिलेशन बनाने में कामयाबी हासिल हुई है। नेक्स्ट है एशिया कप। लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था एशिया कप का, और फाइनली यहाँ पे पहले कहा था कि पाकिस्तान में एशिया कप खेला जाएगा, लेकिन अब बोला जा रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल हम लेंगे, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों कंट्रीज़ में एशिया कप खेला जाएगा। सो एशिया कप विल बी टेक प्लेस इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। कब से कब तक? 31st of August से शुरुआत होगी एंड 17th of September के बीच में एशिया कप खेला जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 4 मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, बाकी सारे रिमेनिंग मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान में लाहौर में मैच होगा, वहीं श्रीलंका में कैंडी एंड पलेकल में ये मैचेस खेले जाएंगे। कुछ समय पहले भी मैंने आपको फोर्थ नंबर के नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में बताया था, जो कि बहुत पहले अनाउंस किए गए थे लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। अब फाइनली आज के दिन, मतलब 17th of June को, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनकर, वो चौथे नंबर के नेशनल वाटर अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू दिल्ली में।
ठीक है, अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी, अब फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर कर रहा है। ये चौथे नंबर के नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं, और ये वाटर अवार्ड जो है वो डिपार्टमेंट वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन के द्वारा दिए जाते हैं। टोटल 41 विनर्स को ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो इन 41 लोगों के नाम नहीं याद रखने, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी, जैसे कि बेस्ट स्टेट अवार्ड। तो बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया जा रहा है मध्य प्रदेश को। वही बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब बेहतरीन जिला, ये है गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। बेस्ट विलेज पंचायत ये दिया जा रहा है जगन्धापुरम विलेज पंचायत तेलंगाना। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बेस्ट मीडिया एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव। बेस्ट स्कूल ये दिया जा रहा है जमियातपुरा प्राइमरी स्कूल महसाना गुजरात। और बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर कैंपस यूजेस ये दिया जा रहा है श्री माता वैष्णो देवी श्रीन बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो हैं वो दिए जाएंगे आज के दिन नई दिल्ली में। ओके चलिए, अब यहाँ पे वापस से एक और हमारा म्यूजियम था या मेमोरियल था जिसका नाम चेंज किया है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम। इसका नाम चेंज करके पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। आइए हम पूरी बात देखेंगे। तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम चेंज करके नया नाम कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। बेसिकली ये डिसीजन NMML की जो सोसाइटी की मीटिंग थी, मतलब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की जो मीटिंग कंडक्ट की गई थी, जिसको चेयर कर रहे थे राजनाथ सिंह, उस मीटिंग में ये फैसला किया गया और उसके बाद नाम चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक डिसीजन लिया था, एक आइडिया प्रपोज किया था कि जितने भी ये तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में ये जो म्यूजियम है वहाँ पे हमारे जो कंट्री के सारे प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर उनको उनको डेडिकेटेड ये म्यूजियम तैयार किया जाएगा। और अप्रैल 2022 में इस म्यूजियम को पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया। अगर हम बात करें नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के बारे में, इसे 1964 में सेटअप किया गया था। ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। और तीन मूर्ति चौक में आपको ये म्यूजियम देखने को मिलेगा, जो कि रेसिडेंस है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का घर रहा है। ओके, आप यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि जो नौरादेही सेंचुरी है और दुर्गावती सेंचुरी है, इन दोनों को क्लब करके मध्य प्रदेश का 7th नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू क्लब नौरादेही इन दुर्गावती सेंचुरी टू क्रिएट स्टेट 7th टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व जो है वो 2339 स्क्वायर किलोमीटर का होगा और इसका नया नाम क्या होगा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का 7th नंबर का और अगर बन गया तो 54th नंबर का इंडिया का हो जाएगा। लेकिन आपको फिलहाल याद रखना है कि 7वें नंबर का मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व होगा, जो कि नरसिंहपुर दमोह और सागर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ होगा। और यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा PTR मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व में, जो कि इन दोनों सेंचुरीज को कनेक्ट करेगा, जिसमें टाइगर फ्रीली मूव भी कर सकते हैं। MP में ऑलरेडी 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं वो? कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पैंच, संजय डुबरी एंड सतपुरा। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। 7वां नंबर का बनेगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व, गवर्नमेंट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वॉज द कंट्री फर्स्ट टॉय ट्रेन टू रन ऑन CNG इनॉग्रेटेड। तो कंट्री की ऐसी पहली टॉय ट्रेन जो कि CNG से चलेगी कहाँ पर इनॉग्रेट की है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। हालांकि पहले से ये टॉय ट्रेन चलती थी, वापस से इसकी शुरुआत की गई है गुलाब बाग ऑफ उदयपुर। और इस टॉय ट्रेन का नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। और ये जो ट्रेन है कंट्री की पहली ऐसी ट्रेन है जो CNG गैस से चलेगी। और इस ट्रेन के जो इंजीनियर हैं वो हैं अनिरुद्ध सिंह नतावत। ठीक, अब यहाँ पे फाइनली पहला जो जनजातीय खेल महोत्सव चल रहा था ये कंक्लूड हो चुका है। हम यहाँ पे विनर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया गया था, 9 से लेकर 12th ऑफ जून के बीच में किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट एंड साइंस सर्विसेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। इन दोनों ने मिलकर ज्वाइंटली फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया था। ओके, इसके अलावा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस सर्विसेज, इनका भी यहाँ पर योगदान रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक्सप्रेस की गई हैप्पीनेस कि फाइनली
यहाँ पे पहला जनजाति खेल महोत्सव कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भुवनेश्वर में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 5000 से ज़्यादा ट्राइबल एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 28 स्टेट से बिलोंग करते थे, 26 राज्यों से बिलोंग करते थे। अगर हम देखें ओवरऑल कैटेगरी में, अब अलग अलग राज्यों की टीम थी, हॉकी की टीम है, रग्बी, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, सब टीम्स थी, मेल भी थी और फीमेल भी थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो उड़ीसा राज्य ने ही यहाँ पे टॉप किया है। फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल कंक्लूड इन भुवनेश्वर विद उड़ीसा इमर्जिंग एज द ओवरऑल चैंपियन। तो उड़ीसा यहाँ पे ओवरऑल चैंपियन रहा है फर्स्ट, सेकेंड नंबर पे कर्नाटका रहा है एंड थर्ड नंबर पे झारखंड रहा है। अगर हम बात करें रग्बी के बारे में तो मेंस एंड वुमेंस दोनों टीम ने उड़ीसा में टॉप किया है। हॉकी में बात करें तो हॉकी में मेंस कैटेगरी में उड़ीसा ने टॉप किया है, वहीं वुमेंस कैटेगरी में भी उड़ीसा ने टॉप किया है। ओके, तो रग्बी और हॉकी दोनों कैटेगरी में उड़ीसा राज्य ने टॉप किया है। कबड्डी में उड़ीसा ने मेंस कैटेगरी में टॉप किया और कर्नाटका ने यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में कबड्डी में टॉप किया है। वहीं वॉलीबॉल में आप देखेंगे तो कर्नाटका फर्स्ट नंबर पे है मेंस एंड वुमेंस दोनों कैटेगरी में। फुटबॉल, तो फुटबॉल में मेंस कैटेगरी में है उड़ीसा और वुमेंस कैटेगरी में है छत्तीसगढ़। वहीं खो खो में मेंस एंड वुमेंस दोनों कैटेगरी में टॉप किया है उड़ीसा ने। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ पर टॉप किसने किया है, उड़ीसा ने, सेकेंड नंबर पर कर्नाटका एंड थर्ड नंबर पर झारखंड आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है टू डे कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंस 20 इन भोपाल। तो G20 के अंदर साइंस 20 की कॉन्फ्रेंस, दो दिन की कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है ताज होटल भोपाल में 16th एंड 17th ऑफ जून में। इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो है कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर यहाँ पे S20 मीटिंग की थीम है, जो कि अंडर G20 ही कंडक्ट हो रही है। और इस कॉन्फ्रेंस को चेयर कर रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट के लिए खुशखबरी है। नॉर्थ ईस्ट का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जिसे फसई ने ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया है। आइए हम पूरी बात करते हैं कब तक के लिए है ये। 2025 तक के लिए सर्टिफिकेट है, 2023 से 2025 तक के लिए। तो गुवाहाटी बिकम फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द नॉर्थ ईस्ट टू गेट फसई ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब फसई के द्वारा ईट राइट सर्टिफिकेशन या स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है, क्योंकि इन्होंने न्यूट्रिशन वाला और हाई क्वालिटी फूड जो है वो पैसेंजर को सर्व किया है, इसलिए इन्हें ये सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं फसई के बारे में बात करूँ तो फसई एक स्टैचुरी बॉडी है। इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के बाद 2008 में सेटअप किया गया है। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर फसई काम करती है। नेक्स्ट बात करेंगे 15th ऑफ जून के बारे में। 15th ऑफ जून को हमने सेलिब्रेट किया था ग्लोबल विंड डे, याद आया मैंने आपको बताया था ग्लोबल विंड डे हमने 15th ऑफ जून को सेलिब्रेट किया था। और यहाँ पर थीम क्या थी, पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अब विंड एनर्जी के सेक्टर में कौन सा स्टेट कैसा काम कर रहा है, तो उनका नामों की घोषणा भी यहाँ पे की गई। आइए हम बात करेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 15th ऑफ जून को ग्लोबल विंड डे को सेलिब्रेट किया गया नई दिल्ली में, जिसकी थीम थी पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया कि हमारा 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है और ये हम 2030 तक अचीव कर लेंगे। इसके अलावा बताया गया कि भारत जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है विंड पावर कैपेसिटी में, मतलब विंड एनर्जी जनरेट करने के मामले में चौथे नंबर पे भारत की रैंकिंग आती है। भारत जो है वो लगातार यहाँ पे विंड एनर्जी को, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहा है और हमारा टारगेट है कम से कम हम 50% अपना इलेक्ट्रिक पावर जो है वो विंड एनर्जी से जनरेट करें। इसके अलावा हमारा टारगेट 2070 तक नेट कार्बन एमिशन जीरो करने का भी है। अब यहाँ पे बताया गया कि राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु ये टॉप अचीवर हैं विंड एनर्जी की कैटेगरी में। राजस्थान जो है उसने अचीव किया है हाईएस्ट विंड कैपेसिटी, गुजरात ने अचीव किया है हाई विंड कैपेसिटी थ्रू ओपन एक्सेस एंड तमिलनाडु ने इनिशिएट रिपावरिंग ऑफ विंड टर्बाइन। तो राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु ये टॉप अचीवर है विंड एनर्जी एडॉप्शन में। ये बात यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा बताई गई। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम MQ-9 रीपर या फिर ड्रोन के बारे में। फाइनली यहाँ पे USA और इंडिया के बीच में ये डील साइन हुई है। ये डील लगभग $3 बिलियन की डील है। इसके अंतर्गत भारत अमेरिका से 30
MQ-9 रीपर या प्रिडेटर ड्रोन्स को परचेज करने वाला है। तो डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये बात हमें बताई गई कि फाइनली MQ-9 रीपर के लिए अमेरिका के साथ हमारे डील साइन हुई है और ये डिसीजन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा लिया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक बॉडी है जो DAC के साथ मिलकर काम करती है। DAC क्या है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसलिंग है, काउंसिल है, जो कि हाईएस्ट बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। किसी भी इक्विपमेंट को आपको खरीदना है तो इस बॉडी की परमिशन लगती है। तो फाइनली यहाँ पे MQ-9 रीपर ड्रोन के लिए हमने अमेरिका के साथ डील साइन की है और हम 30 MQ-9 रीपर यहाँ पे ले रहे हैं। रीपर एक प्रेडेटर ड्रोन होता है जिसमें कई सारे सेंसर होते हैं, लेजर गाइड होता है। इसके अलावा ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल को भी कैरी कर सकता है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल को भी ये कैरी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है गूगल एंड मैत्री। मैत्री क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गूगल, इन दोनों ने मिलकर MOU साइन किया है और एक कैंपेन रन किया है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन। G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन यहाँ पे कंट्री में शुरू किया है। क्यों? साइबर सेफ्टी के लिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन गेमिंग होती हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए कि आप किस तरीके से अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सिक्योर रख सकते हैं। इसके अलावा गूगल ने अवेयरनेस दिलाने के लिए एक कैंपेन भी रन किया है, एक प्रोग्राम भी रन किया है जिसका नाम है बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम। नेक्स्ट है IEA रिपोर्ट, मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट में बताया है कि 2027 तक भारत ओवरटेक कर लेगा चाइना को इन ऑयल डिमांड। क्योंकि लगातार चाइना में तो ऑयल की डिमांड कम होते जा रही है बट भारत में लगातार ऑयल की डिमांड बढ़ते जा रही है। अगर हम देखें तो USA, चाइना और इंडिया सबसे बड़े कंज्यूमर हैं ऑयल के, लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि 2027 तक भारत जो है वो ओवरटेक कर लेगा चाइना को इन द ऑयल डिमांड। इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसने हमें ये भी बताया है कि लगातार जो ऑयल डिमांड बढ़ते जा रही है तो 2.4 मिलियन बैरल पर डे ये हमारी डिमांड है 2023 में ऑयल की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे ब्रेंट ट्रस्ट स्कोर। तो हमारी जो डिजिटल मीडिया है या जो हमारी मीडिया है वो अलग अलग चैनल्स को चलाती है, न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करती है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे 70% लोग ट्रस्ट करते हैं DD न्यूज़ को, DD इंडिया को। वहीं ऑल इंडिया रेडियो को 69% लोग ट्रस्ट करते हैं, बाकी आप BBC 66% है। आप दूसरे न्यूज़ चैनल्स को, दूसरे न्यूज़पेपर्स को देख सकते हैं, द हिंदू पे ट्रस्ट लोगों का 66% है, टाइम्स ऑफ इंडिया पे 69% है। तो इस रिपोर्ट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो आकाशवाणी एंड दूरदर्शन इमर्ज एज मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। तो रिक्यूटर इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 को पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि DD इंडिया एंड ऑल इंडिया रेडियो ये दोनों सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में। लेकिन अगर ओवरऑल देखें, ओवरऑल ट्रस्ट की बात करें तो पिछले सालों के कंपैरिजन में अब 3% तक लोगों का ट्रस्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ठीक है, ये आज की हमारी न्यूज़ थी। अंत में हम बात करेंगे शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। IIT मद्रास के रिसर्चर्स के द्वारा एक लो कॉस्ट मोबाइल एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये कार में, बाइक्स में लगा के मॉनिटर कर सकता है, मतलब हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर कर सकता है। नेक्स्ट है PTC इंडिया फाइनेंस सर्विस लिमिटेड के द्वारा महेंद्र लोधा को डायरेक्टर फाइनेंस एंड CFO अपॉइंट किया गया है। इसके पहले ये सिडवी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, राजस्थान असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में काम कर रहे थे। अगली जो न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की नाहिदा खान के बारे में और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट के लिए। तो मतलब रिटायरमेंट ले रही हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट से। पाकिस्तान की क्रिकेट खिलाड़ी हैं नाहिदा खान। इन्होंने पाकिस्तान को 3 ODI वर्ल्ड कप और 4 T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में भी रिप्रेजेंट किया है। तो नाहिदा खान कहाँ से बिलोंग करती है? तो नाहिदा खान जो है एक क्रिकेटर है और पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने पढ़ लिया कि ऑस्ट्रेलिया ने फिलिप ग्रीन को कंट्री का, भारत का नया हाई कमिश्नर बनाया है। कमल किशोर चटवाल IGL मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। UK के द्वारा पहली बार पाकिस्तान में किसी व्यूमेन एनवॉय को भेजा जा रहा है जिनका नाम है जैन मैरियट। एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजित होगा। वाइस प्रेसिडेंट ने 4th नंबर के नेशनल वाटर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं।
फिर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया है। एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है नौरा देवी एंड दुर्गावती सेंचुरी को क्लब करके 7वें नंबर का टाइगर रिजर्व बनाना है। पहली सीएनजी ऑपरेटेड टॉय ट्रेन शुरू हुई है जिसका नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन उदयपुर में। फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल कंक्लूड हुआ है भुवनेश्वर में। ओवरऑल टॉप किया उड़ीसा ने, सेकेंड कर्नाटका एंड थर्ड नंबर पर आपको झारखंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है साइंस 20 की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस भोपाल में हो रही है। गुवाहाटी पहला रेलवे स्टेशन बन गया है नॉर्थ ईस्ट का जिसको फसाई का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया है। राजस्थान गुजरात और तमिलनाडु विंड एनर्जी अडॉप्शन के मामले में सबसे आगे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है MQ-9 रीपर ड्रोन डील विथ USA। गूगल एंड मैत्री ने हाथ मिलाए हैं G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन के लिए। IEA की रिपोर्ट से पता चलता है कि चाइना को ओवरटेक कर लेगा भारत ऑयल डिमांड ग्रोथ बाय 2027। और आकाशवाणी और दूरदर्शन जो है वो मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में। तो ये सारी बात आज हमने डिस्कस की है। अंत में देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली अमित शाह जी के द्वारा 8,000 करोड़ रुपए की स्कीम्स को लॉन्च किया गया है किस सेक्टर में। तो आंसर हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑप्शन डी। राजा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु हैज़ टेकन ओवर अ डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड, तो NHPC लिमिटेड के डायरेक्टर बन गए उत्तम लाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक बुक है जिसका नाम है रिबेल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम, और इस पुस्तक के राइटर कौन है जिन्हें एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज दिया गया है। आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहला अपना रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट साउथ एशिया में कहाँ शुरू किया गया है, तो ढाका बांग्लादेश में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे शक्तिकांत दास जी को दिया है। ये दूसरे नंबर के इंडियन गवर्नर है जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट रिसेंटली किस रेलवे स्टेशन को मिला है, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इन द स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2023 बींग ऑर्गेनाइज, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में देना, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं कर देती हूँ। बाकी सारी बातें आने वाले सेशन में हम डिस्कस करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।